हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली स्टैटिक एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है। हम आज अपने डिस्कशन में इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़े हुए जानकारियों पर विचार करेंगे। ये इतिहास पर हमारा चौथा डिस्कशन वीडियो है। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, अशोक के अधिकांश शिलालेख पाली भाषा में थे। फ्रेंड्स, ये कथन गलत है क्योंकि अशोक जो कि मौर्य काल के एक समृद्ध शासक थे, उनके द्वारा अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए शिलालेखों का उपयोग किया गया था। शिलालेखों में जिस भाषा में लिखा गया था वो प्राकृत भाषा थी और जिस लिपि का उपयोग किया गया था वो ब्राह्मी लिपि थी। तो आप याद रखेंगे, अशोक के अधिकांश शिलालेखों में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है। यहाँ पर आपको पाली भाषा कहा गया है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन कहता है, अरिका मेडु एक तटीय बस्ती है जो बंदरगाह के रूप में कार्य करती थी। ये बिल्कुल सही है। ये बंदरगाह लगभग 1900 से लेकर 2200 सालों तक एक तटीय बंदरगाह के रूप में कार्य करती रही। विदेशों से बहुत सारे सामानों को लाया जाता था, यहाँ तक कि यहाँ से बहुत सारे सामानों को निर्यात किया जाता था और उनको इस स्थल पर रखा जाता था। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अरिका मेडु में एक ऐसा विशाल संरचना मिला है जो ईंटों से बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि वो एक गोदाम के रूप में कार्य करता था, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। एक प्रश्न पूछा जा सकता है। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विदेशी ने कांग्रेस सत्रों के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तीन व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस सत्रों के आयोजन के दौरान अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। ए ओ ह्यूम, हेनरी कॉटन, एनी बेसेंट। तो फ्रेंड्स, ए ओ ह्यूम जो कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, वो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। इनका जीवन जब तक रहा तब तक इन्होंने इसके महासचिव के रूप में कार्य किया। हेनरी कॉटन जिन्होंने 1904 में, जबकि एनी बेसेंट उन्होंने 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाला था। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, इल्बर्ट बिल विवाद का भारतीय राष्ट्र आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण छाप है, यह किससे संबंधित है। आपको दो कथन दिए गए हैं, बताना है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे जुड़ा हुआ है। पहला कथन कहता है, भारतीय श्रमिकों के लिए कारखानों में काम करने की स्थिति में सुधार, राज्य द्वारा स्वदेशी प्रेस और मिशनरी गतिविधियों पर प्रतिबंध। तो फ्रेंड्स, ये दोनों के दोनों कथन जो हैं वो गलत हैं, क्योंकि इल्बर्ट बिल विवाद एक ऐसा विवाद था जिसे 1883 में लाया गया। इसके अंतर्गत ये किया गया था कि जो भारतीय न्यायाधीश या फिर भारतीय मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, उन लोगों को अधिकार दिया गया था यूरोपीय या फिर आप कहें अंग्रेजों के मामलों को सुनवाई करने का, लेकिन इसका पुरजोर विरोध किया जाता है और अंततः इसे समाप्त कर दिया जाता है। कहने का ये मतलब है कि भारत में पहले ऐसा प्रावधान था कि भारतीय मामलों की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी अधिकारियों या फिर भारतीय अधिकारियों के द्वारा, न्यायाधीशों के द्वारा की जाती थी, लेकिन जो अंग्रेजी अधिकारी हुआ करते थे या फिर अंग्रेज जो इंग्लैंड के नागरिक हुआ करते थे, ब्रिटेन के नागरिक हुआ करते थे, उनके मामलों की सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के न्यायाधीश या फिर मजिस्ट्रेट को दिया जाता था। भारतीय न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट यूरोप के अधिकारियों से संबंधित मामलों या फिर अंग्रेज से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते थे, लेकिन रिपन के कार्यकाल के दौरान जब वो वायसराय थे उसके दौरान इल्बर्ट जो कि एक न्याय सदस्य थे, कानून सदस्य थे, उनके द्वारा 1883 में एक विधेयक लाया जाता है और उसमें इस बात का प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश और भारतीय मजिस्ट्रेट अंग्रेजों से संबंधित मामलों की भी सुनवाई कर सकते थे।
लेकिन इसका पुरजोर विरोध किया गया और अंततः इसे समाप्त कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा क्योंकि दिए गए दोनों कथन इल्बर्ट बेल विवाद के बारे में गलत हैं। इससे जुड़ा हुआ जो एक अन्य महत्वपूर्ण बात है वो आपको ये याद रखना है कि ये एक प्रकार का भेदभाव था जो भारतीयों और अंग्रेजों में के बीच किया जाता था। इल्बर्ट बिल विवाद एक ऐसा विवाद था जिसके कारण भारतीयों में राष्ट्रवाद उभरता है और ये जैसे ही रिपन 1885 में भारत के वायसराय का कार्यभार समाप्त करने के बाद वापस लौटते हैं उसके ठीक अगले ही साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको ध्यान में रखना है। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन या तो समाचार पत्र दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के संघर्ष से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर चार ऐसे कार्यों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि महात्मा गांधी से ये कौन जुड़े हुए हैं। भारतीय नटाल संगठन, इंडियन मिरर, इंडियन ओपिनियन, निष्क्रिय प्रतिरोध संगठन। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे उस समय उन्होंने भारतीय नटाल संगठन का गठन किया था, उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका का संचालन भी किया और निष्क्रिय प्रतिरोध संगठन का भी वहीं पर उन्होंने गठन किया था। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इंडियन मिरर एक पत्र था जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। ये 1862 में देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के पप्पा के द्वारा कोलकाता में स्थापित की गई थी। तो आप इसे याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारे डिस्कशन का पांचवा और अंतिम प्रश्न क्या कहता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधान किया गया। यहां पर तीन ऐसे प्रावधानों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि 1935 में कौन कौन से प्रावधान थे। पहला, प्रांतीय स्वायत्तता, बिल्कुल ये दिया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत यहीं से की गई थी, यानी कि पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, यह संघीय अदालत की बात करता है या तो स्थापना करने का प्रावधान करता है, ये भी सही है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की बात की गई और 1937 में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई। केंद्र में ऑल इंडिया फेडरेशन, ये भी सही है। जितने भी रियासत थे या फिर प्रांत थे उन सभी को मिलाकर एक भारत बनाने का, एक संघीय भारत बनाने का प्रावधान 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था। हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।